मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। गायिका रेनू शर्मा ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। जी हां, उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आशीवारा पुलिस थाना उनकी शिकायत नहीं दर्ज कर रहा है। गायिका ने अपने जान के खतरे होने की बात भी बताई है। बता दें, रेनू शर्मा ने शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लोगों को इस संबंध में जानकारी दी। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को लिखे पत्र में उन्होंने धनंजय मुंडे पर बलात्कार, यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोपों के साथ साथ जानमाल की सुरक्षा पर भी गुहार लगाई है। उन्होंने खुद को अविवाहित और देश के कानून का पालन करने वाली नागरिक बताते हुए लिखा कि धनंजय मुंडे ने शादी का झांसा देकर उनके साथ बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स और धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न किया है। बता दें, गायिका ने बताया कि वो और धनंजय मुंडे एक दूसरे को 1997 से जानते हैं, जबकि वो नाबालिग थे। उन्होंने बताया तब उनकी उम्र 16 से 17 वर्ष की थी। गायिका रेनू शर्मा ने दावा किया कि उनकी बहन करुणा का धनंजय मुंडे के साथ प्रेम विवाह हुआ था। बहन के घर पर ही मध्य प्रदेश में उनकी भी पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2006 में उनकी बहन डिलीवरी के लिए इंदौर गई थी, तब धनंजय मुंडे उनके घर पर आ धमके थे। शिकायत में लिखा कि रेनू शर्मा ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे ने इसी प्रकार लालच देकर कई बार इच्छा विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए हैं और यौन उत्पीड़न किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी बहन करुणा कार्य से घर से बाहर जाया करती थी तो मुंडे उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध प्रस्थापित करते थे। पीड़िता के अनुसार करुणा और मुंडे की शादी 1998 में हुई थी। बता दें कि 46 वर्ष मुंडे उद्धव सरकार में सामाजिक न्याय और स्पेशल असिस्टेंट हैं, साथ ही कांग्रेस में भी हैं। धनंजय भाजपा के दिग्गज दिवंगत नेता के बेटे भी थे। वही आपको बता दें, उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी कजन पांडे मुंडा को हराया था। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे को पार्टी ने 2014 में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। उस समय देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम थे। हालांकि इससे पहले भी वे भाजपा में रहे और नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बीजीवाईएम महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया था। बता दें, अक्टूबर 2019 में तब उनका नाम विवादों में आया था, जब भाजपा नेता और महाराष्ट्र के तत्कालीन महिला और बाल विकास मंत्री और उनकी चचेरी बहन पंकजा मुंडे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी धारा 500-509 के तहत गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए शब्द और गलत तरीके से अश्लील के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।